गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम अपने फर्स्ट वीडियो में कोशिका के बारे में कुछ बताए थे। उसमें आपको यहाँ से शुरू किए थे कि जैसे ये बाहरी वाली झिल्ली कोशिका झिल्ली थी, और कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, गॉल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, ये लाइसोसोम है, और ये सारे कोशिकांग एक अंदर के कोशिका द्रव्य में डूबी हुई थी, और ये आंतरिक सभी संरचनाएं एक बाहर से झिल्ली में बंद थी, जिसे हम बोले थे कोशिका झिल्ली। तो एक एक अंग के बारे में पढ़ते हुए आएंगे कि कोशिका झिल्ली, फिर माइटोकांड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एक एक कोशिकांग के बारे में हम एक एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले इस बाहरी झिल्ली का यानी कोशिका झिल्ली की विशेषता क्या है? तो कोशिका झिल्ली यह एक प्रकार का कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली होती है, और इसकी हम विशेषता बताएं कोशिका झिल्ली की क्या विशेषता होती है। तो ये कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य होती है, कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य होती है। अब अर्ध परागम्य का मतलब क्या हुआ कि इस झिल्ली से होके कोई विशेष प्रकार की ही पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकते हैं और बाहर जा भी सकते हैं, यानी कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य है तो कोई विशेष प्रकार के ही पदार्थ को अंदर आने देगी और बाहर जाने देगी, सभी पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने नहीं देती है। और इस कोशिका झिल्ली का काम क्या है? तो कोशिका झिल्ली का काम है इसको निश्चित आकार प्रदान करना, कोशिका का निश्चित आकार प्रदान करना, और आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा यानी कोशिका को सुरक्षा देना। उसके बाद अगले विशेषता पर हम चलें, तब कोशिका झिल्ली को हम लोग वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसका रीजन ये है कि कोशिका झिल्ली सभी पदार्थों को आने जाने नहीं देती है, कुछ विशेष प्रकार के ही पदार्थ अंदर आने देगी और विशेष प्रकार के ही पदार्थ को अंदर जाने देगी, और कोशिका झिल्ली के इसी गुण के कारण इसको हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि आखिर अंदर जो पदार्थ आ रहा है चाहे बाहर इससे जा रहा है, तो आखिर कौन सी विधि के द्वारा अंदर बाहर आ जा रहा है? तो कोशिका झिल्ली से कोई भी पदार्थ अंदर बाहर आती जाती है, कौन सी विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते भी है कि कोशिकाओं में पदार्थों का आवागमन किस विधि से होता है, तो हम लोग कहेंगे विसरण विधि से होता है। आप लोग याद कीजिएगा, हम लोग प्रकाश संश्लेषण जब पढ़े थे तो वहाँ भी बताए थे कि पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO2 को जो पत्तियां वातावरण से प्राप्त करती है, तो वहाँ भी विसरण विधि से ही होता था, विसरण विधि से ही CO2 वातावरण से पत्तियां में आती थी। तो चलिए एक स्टेप में ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये विसरण क्या है। तो विसरण का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए O2 CO2, जैसे O2 और CO2 का आवागमन, कोशिकाओं के अंदर आना बाहर जाना, O2 CO2 जो कोई पदार्थ है, ये पदार्थ जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर जाता है, उच्च सांद्रता से किधर जाएगा? निम्न सांद्रता की ओर, है इसी विधि को कहते हैं विसरण। माने अगर कहीं O2 की सांद्रता ज्यादा है और कहीं कम है, तो O2 चाहे CO2 ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बह के चले जाएंगे, और यही इसी प्रक्रिया को कहते हैं विसरण। और इसी विसरण के द्वारा उच्च सांद्रण से यानी निम्न सांद्रण के द्वारा O2 और CO2 आपका आदान प्रदान होता है। और कोई द्रव अवस्था में भी कोई पदार्थ हो, वो भी अगर कोशिकाओं के अंदर आवागमन करता है, तो वो होता है एक स्पेशल विधि द्वारा, जिसे कहते हैं परासरण विधि। परासरण विधि से यानी कोई द्रव कोशिका झिल्ली से अंदर या बाहर आना जाना करेगी, तो उसे कहते हैं परासरण विधि। यानी अयोग्य आप लोग कोशिका झिल्ली के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे, ये किसका बना हुआ था? पिछले वीडियो में ही बताए थे कि कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसके एक कोशिकांग को लेकर आएंगे, जैसे माइटोकांड्रिया, गॉल्जी बॉडी, इतने सारे में से कोई एक कोशिकांग को हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना, धन्यवाद।